उत्तर प्रदेश की पुलिस अजब गजब कारनामे समय समय पर करती रहती है, कभी जिंदे को मुर्दा दिखा देती है तो कभी मुर्दे को जिंदा। अब मामला आया थाना कोसी कला के कस्बा पुलिस चौकी का, जो कि पुलिस के कारनामे इस वक्त कस्बे में चर्चे के विषय बने हुए हैं। कस्बा चौकी प्रभारी मनिंदर सिंह ने गुरुवार को थाना रोड से कस्बा चौकी के गोपाल नगर रहने वाले करीब 50 वर्ष के दुर्गपाल को ई रिक्शा में शराब तस्करी के करने के आरोप में जेल भेज दिया। लेकिन इस मामले में कस्बा पुलिस ने रस्सी का सांप बना दिया। दरअसल ई रिक्शा चालक दुर्गपाल अपने 3 बेटों व साथ ही ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है, जिसके चलते गुरुवार को भी ई रिक्शा लेकर मजदूरी के लिए घर से निकला था। लेकिन उसे नहीं पता कि पुलिस की कारगुजारी की वजह से वह घर नहीं लौट सकेगा और जेल के दर्शन उसे होंगे। परिवार के मुताबिक दुर्गपाल कोसी बाईपास से यात्रियों को बैठा कर निकला ही था कि रिक्शा में कुछ बैग और यात्री बैठे हुए थे, लेकिन थाने से चंद कदम की दूरी पहुंचकर पुलिस ने शराब तस्करी के जुर्म में उसे दबोच लिया और मुकदमे में घर से अवैध शराब दिखाकर जेल भेज दिया। पुलिस के द्वारा शराब के साथ पकड़े गए दुर्गपाल का कहना था कि शराब को लाने वाले अन्य लोग थे, उनको यात्री समझा कर वो बैठा लाया था। घटना की जानकारी मिलते ही गोपाल नगर कस्बे सहित आसपास के लोग में खबर आग की तरफ फैल गई, जिनका कहना था कि दुर्गपाल गरीब तबके का व्यक्ति है जो शराब की तस्करी नहीं करता। इसकी शिकायत दुर्गपाल के पुत्र सतीश ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर करते हुए पिता को झूठे आरोप में फंसाने वाले खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुझे के घर से जो है का पकड़ लिए हैं और जबकि घर की तरफ कोई भी नहीं आया, ना ही कोई वहाँ आया है और पुलिस वाला, ना ही कोई शराब की प्रबंधी वहाँ। वो जो फंसाए गए हैं जो व्यक्ति थे जो बैठ के आए हैं वो उन्हीं की शराब थी और वो वहाँ से जो है का बाकायदा ई रिक्शा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ 4 लोगों के इस रोड पे कई लोगों के कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ से मैंने उनको जो है का देखा है कि वो सवारी भी वहीं बैठी हैं, मेरे पिताजी रिक्शा चला रहे जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि उसमें क्या है। अब वो लेकर के मेरे थाने में ले जाके बंद कर दिए हैं, उन पर गलत तरीके से इंजाम लगा के उनको बंद करा दिया, जेल भेज दिया गया है।